लिए खुश है क्योंकि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया। और आपने देखा होगा कि जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है, प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। आंकड़ों में बहुमत से काफी दूर रहने के बावजूद इंडिया गठबंधन की सत्ता पर काबिज होने की कोशिशें शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। दुर्ग लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। दुर्ग से मिली बड़ी जीत के बाद विजय बघेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने सबक सिखाया है, डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश को विकास की दिशा में और आगे बढ़ाएगी। दूसरी बार जीत कर दिल्ली पहुंच रहे हैं विजय बघेल, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सर, दूसरी बार संसद पहुंच रहे, बड़ी जीत आपको मिली है, दोगुनी खुशी, डबल इंजन की सरकार और आपकी जीत? देखिए, खुशी का अवसर है। हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों ने जो मेहनत की है, जनता जनार्दन ने जो आशीर्वाद दिया है, उसका प्रतिफल है कि और अधिक मतों से जीतकर इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पे परचम हासिल की। पूरी देश की नजर दुर्ग लोकसभा पर थी, एक तो आप लड़ रहे थे, दूसरा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र था और सबसे ज्यादा जो है प्रत्याशी वहां से थे। आप जीते, बाकी सारे हार गए। देखिए, ये तो जनता जनार्दन जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। 5 साल जो मैंने लोगों के साथ एक प्रेम का संबंध, दिल का संबंध, एक पारिवारिक संबंध जो बनाया, आज उसी का प्रतिफल है कि लोगों ने फिर से एक बार मुझ पर विश्वास किया। विजय बघेल पर लोगों का भरोसा काफ़ी है, फोकस अब किस पर रहेगा सर आपका? डबल इंजन की सरकार है, पिछली बार तो विसंगति थी, यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब बहुत कुछ करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार के साथ मोदी जी की सरकार का जो तालमेल है, उसकी मध्यस्थता रूप में हम लोग काम करते हुए अपने क्षेत्र को, इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। अब वो उनका चिंतन करने का विषय है, वो तो बिखर गए हैं, अभी कह रहे थे कि सारी सूरमाओं को लड़ाए थे, सारे सूरमा लड़े थे ना इधर उधर, सबको चूरमा बना के रख दी जनता ने आके, और सब कार्यकर्ता ने चूरमा बना के रख दिया। ये थे विजय बघेल, जिन्होंने कहा कि विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं जो है कांग्रेस पर निशाना साधा है, खुद की सीट भी बचा नहीं पाए, छत्तीसगढ़ में जनता ने फिर से उन्हें नकार दिया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।